The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Health consequences of obesity, motapa. Agar aap mote hain, अगर आपको लगता है आपका पेट बाहर है या आपके बम बाहर हैं, मेल्स में अगर नहीं पता आपको तो मेल्स में मोटापा पेट में आगे ज़्यादा जल्दी आ जाता है और फीमेल्स में बम में जल्दी आता है आपके और थाइज में आता है. सो अगर आपको लगता है आपके बम ज़्यादा बड़े हैं, मोटे हैं और आप एक्चुअली ओबेस हैं, ओबेस ओवरवेट और नॉर्मल कैटेगरीज होती हैं. क्वाइट फ्रेंकली उसको BMI के बेसिस पे डिवाइड किया है, जो मैंने पिछली बार एक क्लास में बताया था. दैट्स नॉट द मैटर ऑफ द कंसर्न. कंसर्न ये नहीं है कि आपको लगता है आप ओबेस हैं, कंसर्न ये नहीं है कि आपको लगता है आप ओवरवेट हैं, कंसर्न ये है कि आपको उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करते हो, अगर आप ऐसे ही चलते रहोगे, इवन इफ आप सिर्फ ओवरवेट हो, ओबेस की तो बात ही नहीं कर रहे, अगर आप सिर्फ ओवरवेट ही क्यों ना हो, तो लंबे समय में आपके शरीर में बीमारियां, एक्चुअली डिजीजेस पैदा भी होती है, इकट्ठा भी होती है. नंबर वन रीजन है आज के डेट में दुनिया भर में बीमारियों का जड़ है ओबेसिटी. बीमारियों का जड़ है ओबेसिटी. लिवर में सिरोसिस है, लिवर फैटी है, मोटापा कम करो ठीक हो जाएगा. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, मोटापा कम करो ठीक हो जाएगा. आर्थराइटिस है, चाहे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, चाहे ऑटोइम्यून आर्थराइटिस है, चाहे ऑस्टियो आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, आप मोटापा कम करोगे आपका दर्द कम हो जाएगा, लाइफ बेटर हो जाएगी. थायराइड प्रॉब्लम है, मोटापा कम करो बेटर हो जाएगा. आपको इनफर्टिलिटी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, स्पर्म्स इनएक्टिव है, बच्चे नहीं हो रहे, पीरियड्स नहीं आ रहे, इन सारी बीमारियों का के एक जड़ आपका मोटापा है. आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, आपके अंदर बहुत सारे बीमारियों के जड़ इकट्ठे हैं, खून की नलें सख्त होनी शुरू हो जाती हैं, एथरोस्क्लेरोसिस होता है, डायबिटीज होता है, हार्ट की बीमारियां होती हैं, BP ब्लड प्रेशर होता है, एक्टोपिक बीट्स होता है, हार्ट के अंदर लीकेजेस आते हैं, मतलब कितना बताएं, इतनी सारी बीमारियां आपको सिर्फ आपके वजन के वजह से. और इसको कम करने के लिए लोग मेहनत करते हैं, ये नहीं कि नहीं करते, लेकिन लाइफ में अपने टाइम निकालना, जिम जाना, एक्सरसाइज करनी, बिना जिम के घर में एक्सरसाइज करनी, डाइट करनी, कौन सी चीज खाएं कौन सी चीज ना खाएं, लोगों को कंफ्यूजन है. लोग दौड़ते हैं, कोई एक गोली मिल जाए, कोई एक दवा मिल जाए जिसके खाने से पतले हो जाएं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स नहीं समझते, साइड इफेक्ट्स होने के बाद फिर पछताते हैं. सो ये मोटापा करता क्या है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा. अगर हम आपको 10 किलो का कोई वेट दे दें, 10 किलो 5 किलो का, तो वो 5 किलो 10 किलो बहुत ज्यादा भारी नहीं महसूस होगा, हो सकता है आपको, आपके एज के हिसाब से, आपके हेल्थ के हिसाब से 5 किलो आपके लिए कोई भारी नहीं होगा, आप उठा के उसको लेके यहां वहां चल सकते हैं. लेकिन उसको पूरा दिन, पूरी रात, जिंदगी भर ढोना, एक वेट अगर आपका 5 किलो 10 किलो ज्यादा है तो उतना वेट आप एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, आपकी मसल्स के ऊपर उतना वेट स्ट्रेस आ रहा है, आपकी बोन्स के ऊपर, आपके जॉइंट्स के ऊपर, जॉइंट्स की एक एज है, जॉइंट्स जितनी वजन उठाते हैं, रगड़ते हैं, खराब होता है, राइट. और कुछ कुछ बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मोटापे में नहीं करनी चाहिए. जी हाँ, पूरी बॉडी में आप अगर 10 किलो 5 किलो वजन लेके घूमोगे, कितने दिन घूम सकोगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, हाथ छोड़ दोगे, बिल्कुल हार मान जाओगे. लेकिन एक मोटा आदमी, एक मोटा इंसान अपने वजन को लेके घूमता रहता है, हर वक्त घूमता रहता है. तो आपको वजन को समझना जरूरी है. अब वजन मांसपेशी का भी होता है, वजन फैट का भी होता है. अगर आपकी गाड़ी में ट्रैक्टर के टायर लगा दें, बड़े वाले मोटे मोटे, तो वो टायर तो भारी है, लेकिन वो टायर काम भी अच्छे करते हैं, तो भारी सामान उठाने के लिए भी काम आते हैं. ऐसे ही मसल्स अगर ज्यादा है, तो मसल्स आपके बाकी के मोटे वजन को, भारी डील डॉल को, चौड़े शरीर को उठाने के लिए काम आएगी. लेकिन यही चीज अगर सिर्फ फैट है, सिर्फ पेट लटका हुआ है, थाई बम लटके हुए, तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका नुकसान है. सो पैरों में मसल्स होनी चाहिए, हाथ पैरों में मसल्स होनी चाहिए, तो मसल्स को बचाना भी चाहिए. इसके सबसे बड़े बेसिक है आपकी डाइट.
80 से 70% डाइट का खेल है, 20 से 30% एक्सरसाइज का खेल है, एक्टिविटी का खेल है। एक्सरसाइज नहीं भी कर पाए, नहीं कर सकते, टाइम नहीं मिलता, मन नहीं करता, जिम नहीं जा पाते, कुछ दिन जाके छोड़ देते हैं, तो डाइट पे ध्यान दें और एक्टिविटी बढ़ा लें। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाना सबसे आसान चीज है। सो ओबेसिटी में फिजिकल एक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे? जो भी दिन भर करते हो, चाहे वो घर में इधर से उधर जाना हो, ऑफिस में इधर से उधर जाना हो, ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ना हो, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़ना हो, या एक छोटे से काम को भी तुरंत करने की कोशिश करें, थोड़ी सी अपनी स्विफ्टनेस तेजी बढ़ाएं, एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं, बहाने की जगह उठ खड़े होइए, चल लीजिए, काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो द पॉइंट इज बीइंग एक्टिव, थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ाने पर ही काफी चेंजेस महसूस होते हैं। डाइट में कई लोग बहुत हैवी चेंजेस करने जरूरी पड़ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कम करना, फैट कम करना, मीठी सिंपल शुगर्स क्विट करना, ये सबसे बेसिक है। शक्कर बंद करनी है, गुड़ चीनी शक्कर शहद ये सब बंद, मीठी चीजें बंद, सब चाश सब कुछ बंद करके आप फीकी चाय या उसमें शुगर फ्री नेचुरा डाल सकते हैं। जी नहीं, शुगर फ्री कोई हार्म नहीं करती, कोई जहर नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, शुगर फ्री ले सकते हो। शुगर फ्री के बहुत प्रकार आते हैं, जो पहले जो खराब करती थी वो सैचरिन थी, सैचरिन बंद हो चुकी है, कई सालों से नहीं आती, अब सुक्रालोस, एस्पार्टेम, स्टीविया आती है, ये तीनों आप यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा होता है तीनों को बदल बदल के यूज करो, कोई भी चीज का हैवी डोज नहीं आएगा, राइट? सो कितनी यूज कर सकते हैं? 6 से 8 सैशेज, 6 से 8 टैबलेट्स आप यूज कर सकते हैं दिन भर में, राइट? उतने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है नहीं। सो शुगर क्विट करने बहुत जरूरी है, मिठाइयां बंद करनी बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप्स है रोटियां, चावल, कार्बोहाइड्रेट कम करना। अगर ये नहीं करोगे तो वजन कम नहीं होगा। इंडियन डाइट में हमारी प्रिडोमिनेंटली 80-90% डाइट सारी कार्ब्स की है। आपको कार्ब्स कम करने होंगे, आधे करो, अगले 1-2 महीने बाद फिर उसका आधा करो, उसके 1-2 महीने बाद फिर उसके आधे करो। प्रोग्रेसिव डेफिसिट, प्रोग्रेसिव कैलोरी डेफिसिट होगा तो ही प्रोग्रेसिव वेट लॉस होगा, याद रखिए। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, अनाज से बनी हुई कोई भी चीज, चाहे रोटी हो, चाहे चावल हो, चाहे दलिया हो, चाहे उपमा हो, चाहे उपमा में ऐसी कोई भी चीज हो जो अनाज से बनी है, वो नहीं या उसको आधी कर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये घड़ी भी ले सकते हो, देखो इसमें वेल डन करके आता है ऐसे, अगर आप अपने चलने का टारगेट पूरा कर लिए। अब चला गया, मेरा वेल डन आया था अभी बैठे बैठे। एनीवेज, सो द पॉइंट इज, ये हुई दूसरी बात। अगर नहीं किए, नहीं किए तो कुछ चीजों का ध्यान दो। जब आप मोटे हो, बहुत मोटे हो, तो सिर्फ एक्सरसाइज से वजन कम करना अच्छी बात नहीं है। बोलेंगे ये क्या बोल रहा है? जी हाँ, एक्सरसाइज से अगर आप दौड़ने की कोशिश करेंगे, रेगुलर दौड़ता हूँ जी, सीढ़ियां चढ़ता हूँ, सीढ़ियां उतरना आसान है, सीढ़ियां उतर ही लेते हैं, कम से कम पेट हिल तो रहा है। जी नहीं, जब आप दौड़ रहे हैं, जब आप सीढ़ियां उतर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं, एक 20 किलो 25 किलो हैवी बॉडी लेके, जिसमें मान लीजिए आपका वजन 120 किलो है, मान लीजिए वजन 100 किलो है, और आप जंपिंग कर रहे हैं, तो आप अपने एक वो बात होगी कि 60 किलो की जगह 40 किलो के वजन उठा के जंप कर रहे हैं, घुटने की कितनी ऐसी तैसी होगी सोचिए। जो घुटना उम्र के हिसाब से 80-90 साल में खराब होना चाहिए था, वो 40 साल में 45 साल में खराब हो जाएगा। सो इसीलिए एक हैवी वेट इंसान को अपनी वजन कम करने के लिए 80-90% डाइट पे और थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी तेज करने पे बिलीव करना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करके। क्रैश डाइट भी नहीं करनी चाहिए, फैट डाइट्स के बारे में कल ही बात करी हमने, तो वो आपको पता ही है, वाटर वेट लॉस होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं, बॉडी में हानिकारक सिम्टम्स आते हैं, किडनी फेलियर, EGFR कम होने के चांसेस होते हैं, लिवर फेलियर के चांसेस होते हैं। सो फैट डाइट, फैट बर्नर्स और ऐसी कोई सिंपल क्विक क्रैश डाइट नहीं करनी चाहिए। अगर वजन जल्दी भी कम हो गया किसी प्रकार के कीटो डाइट से, इंटरमिटेंट फास्टिंग से, तो वजन जल्दी कम होने के भी साइड इफेक्ट्स होंगे, आपके बाल लॉस होंगे, आपको हेयर लॉस होगा, कई लोग उससे चलते पछताते हैं, थोड़े से डिप्रेशन में जाते हैं और डबल वजन गेन ले लेते हैं, कई लोगों को बॉडी में स्किन लैगिंग सैगिंग स्किन आ जाएगी, जो पतले हुए हैं सारी स्किन लटक जाएगी, अल्टीमेटली फिर ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, प्लास्टिक सर्जरी। फिर उसके बाद कई लोगों के बॉडी में मेलेस्मा डिसकलरेशन, कई लोगों की बॉडी में गॉल स्टोन्स के 30% चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत क्विक वेट लॉस के, बहुत ज्यादा डाइट करने से।
सो रिमेंबर, वेट लॉस करना बहुत मुश्किल नहीं है, अनुशासन चाहिए, प्रॉपर नॉलेज चाहिए, प्रोग्रेसिव कैलोरी डेफिसिट चाहिए। बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं उनको प्रोग्रेसिव ओवरलोड समझ में आता है कि वजन बढ़ाना है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव कैलोरी डेफिसिट चाहिए होता है। सो इसी तरह से आपका वजन कम होगा अगर आप नहीं करेंगे तो ओबिसिटी के, मोटापे के कॉन्सिक्वेंसेज आंखों से लेके छोटी सी छोटे से बॉडी पार्ट से लेके हर बॉडी पार्ट पे आता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, इरेक्शन प्रॉब्लम्स होते हैं फीमेल में, जो उनकी लिबिडो होती है, सेक्स की इच्छाएं होती हैं वो कम होती हैं, खुद का कॉन्फिडेंस कम होता है, आपका परफॉर्मेंस कम होता है, आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, अच्छे से आपका ग्रोथ नहीं होगा, आपके रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा, आप अमीर नहीं हो पाओगे। तो जो दिमाग पढ़ाई में लगा रहे हो, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा दिमाग वेट लॉस पे लगाइए, ओबेसिटी को टैकल करने में लगाइए, उससे अच्छी इन्वेस्टमेंट दुनिया में नहीं है। ये हुई बात, कोई सवाल है तो जरूर लिखिए।